हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। और मेरा एक क्लिनिक है, सीरत क्लिनिक, जो कि लातूर में सिचुएटेड है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये चैनल जो है मेरा हेल्थ कंसल्टेंट, ये अभी नया है। और इस चैनल को बनाने का हमारा हेतु ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हेल्थ के बारे में जो है मालूमात पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब भी वीडियो चालू करेंगे तो राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन रहता है, आपने उसको प्रेस करना है। और आपने जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया के हर कोने में आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से चीज़ों से, बहुत से हेल्थ इशू के बारे में परेशान हैं। तो आपने उनकी मदद करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका कोई दोस्त है तो उस तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो डेंटल इश्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दांतों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि दांतों में क्या क्या तकलीफ़ हैं, दांतों में जो है दांतों के अंदर जो है गम स्वेलिंग है और पेरिओडोन्टाइटिस है, दांतों के ऊपर सूजन है, दांतों की कीड़ लगना है, मसोड़ों में सूजन होना है, या मुंह से एक अलग प्रकार की घान बास आना जिसको हम बैड स्मेल या बैड ऑडर बोलते हैं, वैसे ये चीज़ें हाँ दांतों के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और क्या आपको अवॉइड करना है? दोस्तों, बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो गुटखा बहुत खाते हैं, तंबाकू, गुटखा, उसकी वजह से जो है बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो आगे चल के तो बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज भी होते हैं, बैड स्मेल आती है, पेरिओडोन्टाइटिस, जिंजिवाइटिस, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं ये दांतों में प्रॉब्लम्स होती रहते हैं, लेकिन लेडीज़ में भी होती है। तो लेडीज़ भी लेते हैं क्या गुटखा? ये विषय पे हम आगे भी बात करेंगे आप दूसरे वीडियोस में, लेकिन आज का जो विषय है दांतों के प्रॉब्लम से कैसे बचे जाए। तो दोस्तों, आजकल जो मार्केट में जो पेस्ट हैं उसमें केमिकल्स मिला हुआ है, लेकिन वो यूज़ करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हम आपको बता रहे हैं कि उसमें केमिकल है तो आपने थोड़ा सा सोचना चाहिए और आपने ऐसे पेस्ट की तरफ अपना ध्यान बटाना चाहिए जो कि केमिकल मुक्त है। और दोस्तों, अगर आपके मुंह से बास आ रही है तो एक मार्केट में एक लिक्विड मिलता है क्लोरहेक्सेडेन माउथवॉश, उसका आपने पानी में लेकर एक एक गिलास पानी लेकर उसमें एक ढक्कन उसमें डालकर उससे कुल्ली करना है, उससे बास चली जाएगी और दांतों में अगर कीड़ भी लगी है तो वो भी निकलती है। दूसरा, दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि आजकल एक प्रथा है कि हम दांतों को बहुत ज़्यादा घसते हैं, दिन में 2 बार 3 बार, कुछ दांतों को ज़्यादा घसना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, दांतों के ऊपर की जो लेयर चली जाती है और बाद में प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, पहले के दौर में या अभी के भी दौर में कुछ लोग जो है कोयला वापरते हैं, मिसवाक वापरते हैं। इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब भी जो है मिसवाक का बहुत ही प्रचार किए हैं और मिसवाक जो है मुस्लिम लोगों में एक सुन्नत मानी जाती है, तो वो भी बहुत ही दांतों को एक स्पेशल अच्छा फ़ायदा करा के देती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो हम टॉपिक विषय पे बात करने वाले हैं, बहुत से यूट्यूब में हम देखे हैं कि वो पीले दांतों को सफ़ेद कैसा करेंगे उसके बारे में आपको राय देते हैं। एक थोड़ा सा कोलगेट लो, एक बाउल में उसमें कॉफ़ी डालो थोड़ी, एक चम्मच, फिर उसमें नींबू मिक्स करो, फिर उसमें घी मिक्स करो और उसको अच्छी तरीके से हिलाओ और दांतों पे लगाओ, उससे आपको फ़ायदा होगा ऐसा बताते हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग ऐसा भी करके फ़ायदा करते हैं, तो ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आज के दौर में बहुत से लोग गुटखा खा रहे हैं, बहुत से लोगों को जो अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, दांत निकालना पड़ता है, दाढ़ निकालना पड़ता है, रूट कैनाल करना पड़ता है, ऐसे जो चीज़ें हैं उससे आप जो है एक साधारण उपाय बच सकते हैं। आपने जो है, मैं एक पेस्ट बताने वाला हूँ, गैनोडर्मा का नाम सुना है आपने? तो एक गैनोडर्मा पेस्ट मार्केट में मिलता है, बहुत सी कंपनियों का है। मेरे पास जो है एक गैनोडर्मा पेस्ट है जिसका नाम है जो एक गैनोडर्मा गेनोजी प्लस बोलकर, गेनोजी प्लस बोलकर इस ट्यूब का नाम है, गेनोजी प्लस।
बोलकर इंस्टीट्यूट का नाम है, और ये जो टूप है बहुत ही उपयोगी पड़ेगा। और ये जो टूथपेस्ट है ये ग्यारोडर्मा से बना हुआ है। इस टूथपेस्ट से जो है आप जो है बड़े बड़े जो तकलीफ़ हैं, रूट कैनाल, रूट एक्सट्रैक्शन, दाढ़ काटना, ये भी प्रॉब्लम जो है इससे हल हो सकते हैं, ये काटने की गरज नहीं पड़ सकती। ऐसे भी फिनोमिनल ग्यानोडर्मा के रिजल्ट हैं। तो फिर जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं, वो भी लोग अगर इस टूथपेस्ट को अगर वो वापरेंगे तो भी उनको जो है आगे चल के जो सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से लोगों को तो दांतों का, मुंह का, जबड़ों का कैंसर भी होता है, तो वो भी इस चीज़ से बचा जा सकता है। रियली इट्स अ ट्रू फैक्ट दोस्तों। आपके इर्द गिर्द और आपकी पहचान में बहुत से लोग दांतों की तकलीफ से आज बहुत परेशान होंगे, तो उन्हें आपने ये वीडियो बताना है, वीडियो शेयर करना है कि एनोडर्मा पेस्ट, और उसका नाम है गनोजी प्लस, एक डीएक्सएन नाम की कंपनी है, उसका पेस्ट आप मार्केट में उपलब्ध होगा। 150 mg का, 150 ग्राम का ये पेस्ट है, और लगभग 300 रुपये इसकी MRP है। तो ये मार्केट में मिलता है, बहुत ही अच्छा पेस्ट है। इसी के साथ अपने अगर दांतों में स्मेल आ रही है तो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश वापर सकते हैं, फिर मिसवाक आप वापर सकते हैं। ऐसे चीज़ें करो तो दांतों का प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल नील हो जाएगा। और उसके साथ ही आपने जो है और डेली जो है अपने दांत को क्लीन करना है, फ्रेश करना है, और जो अलग अलग नुस्खे बताए हैं वो तो आपने करना ही है। और इम्पोर्टेंट बात है कि थोड़ा सा आप अगर गुटखा कम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ अगर आपका मुंह नहीं खुलता है तो भी इस पेस्ट से मुंह भी खुलेगा। तो कृपया आप ये जो वीडियो है ऑल ओवर इंडिया में शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग परेशान हैं उन तक पहुँचाओ। ये जो पेस्ट है इस पेस्ट से सारी के सारी A to Z तकलीफ कम होगी। इसी के साथ हमारा नंबर भी इस वीडियो के जो डिटेल्स हैं, वीडियो के नीचे जो डिटेल्स मिलते हैं उसके अंदर आप जाके हमारा नंबर्स ले सकते हैं, और हम पे कॉल्स, व्हाट्सएप या SMS करके भी हमारे पास से जानकारी ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए आइडियाज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।